Hi everyone, welcome to VCR Mathematics. It is virtual classroom for maths. I am Ranveer Havi and we are going to study integrals. This is for class 12th and above. So our first question is, what is integrals? Integrals ko hum antiderivative ya fir primitive bhi bolte hain. And integral is represented in the form of I is equal to integral of fx dx, where fx is integrand and x is variable of integration. Here this is symbol of integral. For example, I is equal to integral of x square dx. Isme integrand kya hai hamara? Isme integrand hai x square, hai na? And x is variable of integration. X hamara variable hai. Second example hum dekh sakte hain kya? I is equal to integral of sin y dy. तो यहाँ पे sin y क्या होगा? Sin y integrand होगा और y क्या होगा हमारा? Y variable होगा. Integral of fx dx में इसे हम integral of fx with respect to x बोलते हैं. Now integral is inverse process of differential. So if differential of sin x is cos x, then integral of cos x will be sin x plus c. C क्या है यहाँ पे? C is a constant. आगे हम देखेंगे अभी जब हम indefinite integral करेंगे कि c की value कोई भी real number हो सकती है. There are two types of integral. One is indefinite integral and another is definite integral. Indefinite integral के अंदर क्या होता है? Indefinite integral को हम integral of fx dx लिखते हैं. इसके अंदर कोई limit नहीं होता है ना? और जो definite integral है उसके अंदर a से b के अंदर हम किसी limit के अंदर हम इसको integrate करते हैं. Okay friends, next, in this tutorial we are going to study basics of indefinite integral. Okay, तो हमने अभी देखा है क्या कि fx का derivative क्या होता है? F dash x. तो जब हम f dash x को integrate करेंगे, है ना, उसका हम anti derivative find out कर रहे हैं ना, तो जब भी हम f dash x को integrate करेंगे तो क्या होगा? Fx plus c, where fx is antiderivative and c is element of real number. अब इस पे जैसे अभी हमने जो example देखा था कि sin x का differential cos x होता है, तो cos x का integration क्या होगा? Sin x plus c. C is constant here. C की value कोई भी real number हो सकती है. यहाँ पे हम antiderivative कर रहे हैं और sin x का यदि derivative cos x होगा तो cos x का एंटी डेरिवेटिव क्या होगा? Sin x plus c. जो पहला फॉर्मूला हम देखने जा रहे हैं इंटीग्रल में वो है I is equal to integral of x to power n. यहाँ पे x वेरिएबल है और n एलिमेंट ऑफ रियल नंबर है. n की वैल्यू कोई भी रियल नंबर हो सकती है ना? तो x क्या है हमारा यहाँ पे? x वेरिएबल है. ओके, फॉर एग्जाम्पल इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर. एक्स स्क्वायर का जब हम इंटीग्रल फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ पे हम इंटीग्रल का फर्स्ट फॉर्मूला यूज करेंगे. और इंटीग्रल का फर्स्ट फॉर्मूला क्या है? इंटीग्रल ऑफ एक्स टू पावर एन. एक्स टू पावर एन को जब हम इंटीग्रेट करते हैं तो क्या होता है? एक्स टू पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी. तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा इस फॉर्मूले से? एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा एक्स टू पावर टू प्लस वन अपॉन टू प्लस वन प्लस सी. दैट मीन्स एक्स टू पावर थ्री बाय थ्री प्लस सी. इस पे बेस्ड एक दूसरा एग्जाम्पल भी देख सकते हैं. और दूसरा एग्जाम्पल क्या है? और दूसरा एग्जाम्पल ये है, x टू पावर माइनस थ्री का इंटीग्रल क्या होगा? तो इंटीग्रल ऑफ x टू पावर माइनस थ्री, सेम फॉर्मूला यूज करेंगे हम, x टू पावर n dx वाला. और x टू पावर n dx का इंटीग्रल क्या होता है? x टू पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन प्लस सी. तो x टू पावर माइनस थ्री पे जब हम सेम फॉर्मूला यूज करेंगे तो इसका इंटीग्रल क्या होगा? x टू पावर माइनस थ्री प्लस वन अपॉन माइनस थ्री प्लस वन प्लस सी. दैट इज x टू पावर माइनस टू अपॉन माइनस टू प्लस सी. फाइनल रिजल्ट क्या होगा हमारा इस इंटीग्रेशन का? माइनस वन अपॉन टू एक्स स्क्वायर प्लस सी. और सी तो हमें पता ही है, सी इज अ कॉन्स्टेंट, है ना, जिसका वैल्यू कोई भी रियल नंबर हो सकता है. ओके, फॉर्मूले का एक एक्सेप्शन भी है व्हेन एन इज इक्वल टू माइनस वन. और जब एन की वैल्यू माइनस वन होगी तो इंटीग्रेशन क्या होगा हमारा? एक्स टू पावर माइनस वन और इंटीग्रल ऑफ वन बाय एक्स डी एक्स. हमने डिफ्रेंशिएशन के अंदर क्या देखा था कि जब
log mod x का differentiation find out करते हैं तो क्या आता है 1 by x and integral is inverse process of differential. तो जब भी हम 1 by x का integral find out करेंगे तो क्या आएगा log mod x plus c. सिर्फ यही एक exception है इस formula का जहाँ पे ये formula applicable नहीं होता है and that is n is equal to minus 1 or you can say integral of 1 by x dx. Now friends, there are two general theorems on integral. First है हमारा कि जब भी कोई constant किसी function के साथ multiplication में हो, like integral of k fx dx. यहाँ पे k क्या है? Constant है. और fx क्या है? Function of x है. तो सबसे पहले हम k को outside the integral करेंगे. ये हमारा first general theorems है integrals के ऊपर कि k को outside the integral कर लेंगे. तो क्या होगा हमारा फाइनल रिजल्ट k इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स डी एक्स. मतलब जब भी किसी इंटीग्रल के साथ कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई होगा तो उस कांस्टेंट को हम इंटीग्रल के बाहर कर लेंगे और फंक्शन को इंटीग्रेट कर लेंगे. फॉर एग्जांपल इंटीग्रल ऑफ 7x स्क्वायर. यहाँ पे 7 क्या है? 7 इज कांस्टेंट. तो 7 को हम बाहर ले लेंगे तो हमारा जो इंटीग्रल फाइंड आउट करेंगे हम किसका करेंगे 7 बाहर आ जाएगा तो 7 इंटीग्रल ऑफ x स्क्वायर dx. जो हमारा सेकंड प्रॉपर्टी है इंटीग्रल पे वो क्या है? इंटीग्रल ऑफ fx प्लस माइनस gx. मतलब जब भी दो फंक्शन एडिशन में हो या फिर सब्ट्रैक्शन में हो तो हम उस दो फंक्शन को सेपरेट करके फिर इंटीग्रेट कर लेंगे. फॉर एग्जांपल इंटीग्रल ऑफ sec स्क्वायर x dx प्लस इंटीग्रल ऑफ x टू पावर 7 dx. तो यहां पे दो डिफरेंट फंक्शन है, एक sec स्क्वायर x और एक x टू पावर 7. तो इस दोनों को हम सेपरेट सेपरेट कर लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ sec स्क्वायर x dx प्लस इंटीग्रल ऑफ x टू पावर 7 dx. इनडिफिनिट इंटीग्रल का जो हमारा थर्ड एंड फोर्थ फॉर्मूला है वो दोनों क्या है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन है. एक है e टू पावर x और दूसरा है a टू पावर x. e टू पावर x का जो इंटीग्रल होता है क्या होता है? e टू पावर x प्लस c. e टू पावर x का डिफरेंशिएशन भी e टू पावर x होता है और इंटीग्रल इज इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशियल. इसीलिए e टू पावर x का इंटीग्रल भी क्या होगा? e टू पावर x प्लस c. सेकंड जो है हमारा a टू पावर x. a टू पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है? a टू पावर x * log a. इसीलिए इसका इंटीग्रल क्या होगा? a टू पावर x / log a + c. नाउ वी कैन सी सम एग्जांपल बेस्ड ऑन एवर फॉर्मूले. सबसे फर्स्ट एग्जांपल है हमारा इंटीग्रल ऑफ x टू पावर 5 बाई 4. यहाँ पे हम x टू पावर n वाला फॉर्मूला यूज करेंगे और x टू पावर n का फॉर्मूला क्या होता है? x टू पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c. अप्लाइंग सेम फॉर्मूला वी विल गेट x टू पावर 5 बाई 4 प्लस 1 अपॉन 5 बाई 4 प्लस 1 प्लस c. दैट मीन्स x टू पावर 9 बाई 4 अपॉन 9 बाई 4 प्लस c. सो फ्रेंड्स हमारा फाइनल रिजल्ट क्या होगा? 4 बाय 9 एक्स टू पावर 9 बाय 4 प्लस सी. सेकेंड क्वेश्चन इज इंटीग्रल ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. तो यहां पे हम क्या कर सकते हैं कि इस तीनों इंटीग्रल को सेपरेट कर सकते हैं बाय अप्लाइंग जनरल थ्योरम्स ऑफ इंटीग्रल. तो हम क्या लिख सकते हैं? इंटीग्रल ऑफ ए एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस इंटीग्रल ऑफ बी एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रल ऑफ सी डी एक्स. नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे हम इसमें कि जो कांस्टेंट है ए बी और सी इस तीनों को इंटीग्रल के बाहर कर लेंगे बाय अप्लाइंग जनरल थ्योरम्स ऑफ इंटीग्रल्स. तो हम क्या लिख सकते हैं इसको? ए इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस बी इंटीग्रल ऑफ एक्स डी एक्स प्लस सी इंटीग्रल ऑफ 1 डी एक्स. यहाँ पे एक सबसे अच्छा क्वेश्चन है कि 1 का इंटीग्रल क्या होगा? 1 को हम क्या लिख सकते हैं? x टू पावर 0. और x टू पावर 0 पे जब हम x टू पावर n वाला फॉर्मूला यूज करेंगे तो ये क्या होगा? x टू पावर 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1 प्लस c. जब हम डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करते हैं 1 का तो क्या होता है? 0. लेकिन जब इंटीग्रल होता है 1 का तो इंटीग्रल 1 का क्या होगा? x. अभी हमने फाइंड आउट किया क्या कि 1 को हम क्या लिख सकते हैं? x टू पावर 0. और जब हम x टू पावर 0 को इंटीग्रेट करेंगे तो उसका इंटीग्रल क्या होगा?
x plus c. जो फाइनल रिजल्ट होगा इस क्वेश्चन का वो क्या होगा, ए एक्स क्यूब बाई थ्री प्लस बी एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस सी एक्स प्लस डी. डी इज अ न्यू कॉन्स्टेंट हेयर बिकॉज सी इज ऑलरेडी इन द क्वेश्चन. इस लिस्ट का जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है वो ये है, इंटीग्रल ऑफ x टू पावर e प्लस e टू पावर x प्लस e टू पावर e. इस क्वेश्चन में भी सेम वही करना है, इस तीनों को सबसे पहले सेपरेट कर देना है. तो क्या हो सकता है, I इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ x टू पावर e dx प्लस इंटीग्रल ऑफ e टू पावर x dx प्लस इंटीग्रल ऑफ e टू पावर e dx. तो x टू पावर e में तो हम x टू पावर n वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे, और e टू पावर x का हमें इंटीग्रल पता ही है, e टू पावर x होता है, और e टू पावर e क्या है, कॉन्स्टेंट है. तो यहाँ पे इसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा, e टू पावर e इंटू x. सो फाइनल रिजल्ट इज I इज इक्वल टू x टू पावर e प्लस वन अपॉन e प्लस वन प्लस e टू पावर x प्लस e टू पावर e इंटू x प्लस c. हमारा जो फोर्थ और लास्ट क्वेश्चन है इस लिस्ट का वो ये है, इंटीग्रल ऑफ 5 a टू पावर x प्लस 3 बाय x प्लस x क्यूब इंटू डी एक्स. तो यहाँ पे भी तीन अलग अलग फंक्शन है, तो बाय अप्लाइंग जनरल थ्योरम्स ऑफ इंटीग्रल्स वी कैन राइट I इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 5 a टू पावर x dx प्लस इंटीग्रल ऑफ 3 बाय x dx प्लस इंटीग्रल ऑफ x क्यूब dx. तो 5 a टू पावर x में 5 को हम आउटसाइड द इंटीग्रल ले लेंगे, तो इंटीग्रल क्या होगा हमारा, 5 a टू पावर x dx प्लस 3 बाय x में 3 को आउटसाइड लेंगे, तो 3 इंटू इंटीग्रल ऑफ 1 बाय x dx प्लस इंटीग्रल ऑफ x क्यूब dx. a टू पावर x का डिफिनेशन होता है a टू पावर x इंटू log a, और a टू पावर x का इंटीग्रल क्या होता है, a टू पावर x अपॉन log a. तो यहाँ पे रिजल्ट क्या होगा हमारा, 5 इंटू ए टू पावर x अपॉन log a प्लस 3 log mod x, क्योंकि हमने अभी देखा था 1 बाई x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log mod x, n इज इक्वल टू माइनस 1 एक्सेप्शन, एंड x क्यूब का इंटीग्रेशन क्या होगा, x टू पावर 4 बाय 4. तो फाइनल रिजल्ट क्या हो जाएगा हमारा, 5 a टू पावर x अपॉन log a प्लस 3 log mod x प्लस x टू पावर 4 बाय 4 प्लस c. सो फ्रेंड्स, ये हमारा फर्स्ट ट्यूटोरियल था बेसिक्स ऑफ इंडेफिनिट इंटीग्रल. अभी के लिए इतना ही, हैप्पी लर्निंग गाइस, बाय बाय.